यूपी में गंगा, गोमती और घाघरा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। रामगंगा, खर्रा, खनौत, राप्ती, बूढ़ी राप्ती, कानो, शारदा नदियां खतरे के निशान से बहुत ऊपर बह रही हैं और इसके चलते गोंडा से लेकर शाहजहांपुर और हरदोई समेत कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। कई हजार गांव बाढ़ के पानी से घिरे हैं। घर, खेती और रास्ते सब कुछ पानी में डूबा है। हर ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। बाढ़ के हालात चिंताजनक हैं। लाखों लोग प्रभावित हैं। प्रशासनिक और सरकारी स्तर पर राहत और बचाव कार्य तेजी से चल रहा है। बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर ले जाया जा रहा है। राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और यूपीपीएसी के जवान लगाए गए हैं। कानपुर में नरोना बांध से लगातार पानी गंगा बैराज पहुंच रहा है। ऐसे में गंगा का जलस्तर रोजाना बढ़ रहा है और जलस्तर 113 सेंटीमीटर को क्रॉस कर चुका है। ऐसे में कटरी के 2 दर्जन से अधिक गांव कभी भी बाढ़ से प्रभावित हो सकते हैं। इसको लेकर जिला प्रशासन अलर्ट है। बाढ़ चौकियों में तैनात पुलिसकर्मी भी लगातार गांव में निरीक्षण कर रहे हैं। वहीं पुलिस अफसरों ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर ग्रामीणों को जोड़ा है और हर 12 घंटे में अपनी रिपोर्ट अपडेट कर रहे हैं। पुलिस ने गंगा किनारे के गाँव में रह रहे ग्रामीणों को सावधान रहने के लिए कहा है। पुलिस टीम के द्वारा पूरा सर्वेक्षण किया गया है और लोगों को अनाउंस किया गया है। लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा गांव कर्नविल सर्किल में आते हैं जो कि गंगा के उस पार आते हैं, जहाँ हर साल बाढ़ जाती है और काफ़ी जनधन की हानि होती है। हम लोगों ने पहले से अलर्ट मूड में आकर और हमारे थाना प्रभारी, चौकी इंचार्ज, सभी वहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों के प्रधानों और वहाँ के संभ्रांत लोगों के टच में हैं, लगातार उनके संपर्क में। आज मेरे द्वारा लगभग 7-8 गाँव में जाके लोगों को अलर्ट किया गया, उनको जागरूक किया गया कि वो अपना कीमती सामान, अपना पशुधन वगैरह को बिल्कुल ही तैयार रखें। किसी वक्त गंगा जी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, कभी भी ऐसी कंडीशन आ सकती है कि बाढ़ आ जाए यहाँ पर, तत्काल इन लोगों को हमें एक ऊंचे क्षेत्र में शिफ्ट करना पड़ेगा। गंगा का जलस्तर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और अधिकारियों की परेशानियां बढ़ती जा रही है। अगर बात की जाए डिस्चार्ज की तो 1.5 लाख क्यूसेक पानी अभी तक छोड़ा जा चुका है और ऐसे में गंगा कटरी के 40 से ज्यादा गांवों पर अब बाढ़ का खतरा मंडराने लगा और ऐसे में प्रशासनिक अधिकारियों ने ग्राम प्रधानों के साथ संपर्क स्थापित किया तो वहीं पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने गाँव में अनाउंसमेंट भी शुरू कर दिए। इस वक्त न्यूज 18 भी आप देख सकते हैं, ग्राउंड जीरो पर एक नाव पर है। ये धमनीपुरवा, चैनपुरवा, लदुआ खेड़ा, ऐसे तमाम गाँव के छोर तक पानी पहुँच चुका है और रोज लगभग 30 सेंटीमीटर तक पानी बढ़ता जा रहा है और ऐसे में जो बैराज के 16 गेट्स हैं खोल दिए गए हैं और धीरे धीरे करके ये पानी का फ्लो बढ़ता जा रहा है। अधिकारियों ने अपनी पैनी नज़र बनाए रखी और गांव के प्रधानों को ये सूचना दी है कि अब अगर 10 सेंटीमीटर भी पानी और बढ़ता है तो वो पुलिस को सूचना दें ताकि ग्रामीणों को अलर्ट किया जा सके और उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुँचाने की व्यवस्था की जा सके। उन्नाव में भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। उन्नाव में इस समय गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के पास पहुंच चुका है। शुक्लागंज में गंगा का चेतावनी बिंदु 112 मीटर है जबकि खतरे का निशान 113 मीटर है। जैसे जैसे गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है लोगों की समस्याएं बढ़ रही हैं। जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का पानी अब मोहल्लों में जाने लगा है। न्यूज 18 की टीम ने गंगा से सटे कॉलोनीज में पानी का जायजा लिया। लगभग 3 फीट तक यहां पानी नजर आया। पानी से घिरे मोहल्ले के लोग नाव के जरिए आवाजाही करने को मजबूर हैं। वही जल स्तर बढ़ने से लोगों के चेहरे पर शिकन साफ तौर पर देखी जा सकती है। बढ़ रहा है गंगा, चेतावनी बिंदु से ऊपर चल रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ महिलाएं और पुरुष मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। कहाँ जा रही हैं? कैसे जाती हैं यहाँ से? कितनी दिक्कत हो रही है बाढ़ की वजह से? पानी पड़ा था, बूढ़ा डूब है, सब पानी भी है, पानी चले गए, सब पड़ गए। क्या दिक्कत हो रही है बाढ़ की वजह से? बाढ़ की वजह से भैया चला गया, सब किसान आपकी फसल डूबी है? सब डूबी हमारी। फटाफट बोलो, बहराइच में बहने वाली सरयू नदी का जलस्तर कम होने के बाद अब कटान शुरू हो चुका है। जिले की 4 तहसीलों मोतीपुरा, नानपारा, महसी और कैसरगंज के दर्जनों गांव में कटान तेज हो गया है। अभी तक जिले में 50 से ज्यादा पक्के मकान नदी में समा चुके हैं। वहीं अगर नानपारा तहसील की बात करें तो यहां एक साथ 16 घर नदी में समा गए। लोगों का कहना है कि खेती की जमीन तो पहले ही कट चुकी है और जो भी थोड़ी सी जमीन बची है उसमें अब पानी भरा हुआ है, रहने के लिए भी जगह नहीं बची है। रुकेंगे ब्रेक के लिए, खबरें लगातार जारी हैं।